दारू का अवैध धंधा करने वाले अनिल ने प्रशासन से जिद की, सरकारी नौकरी दो या दारू बेचने का लाइसेंस, अपनी मांग के साथ धरने पर बैठा। पैरों से दिव्यांग अनिल ने कहा कि मैं दलित हूं और दिव्यांग भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, ना ही पत्नी को। गांव में शराब बेचकर परिवार का पेट पालता हूं, तो पुलिस ने वह भी बंद करवा दिया है। अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब तय करके आया हूं कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, यहां से वापस नहीं जाऊंगा। नहीं तो सरकार मुझे शराब बेचने का लाइसेंस दिलवाए। अनिल दोपहर से शाम तक जनपद में मौजूद रहा। जब सीईओ वंदना शर्मा आई तो उन्हें भी अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में उसने जनपद में सीईओ के कक्ष के सामने ही पत्नी के साथ डेरा डाल दिया। इस बीच पुलिस के दो जवान भी उसे हटाने पहुंचे, लेकिन बेरंग लौट गए। रात 9 बजे भी वो अपनी पत्नी के साथ गेट पर मौजूद था और इस कारण भ्रत ताला भी नहीं लगा सका। नाम है आपका? अनिल। कहाँ के रहने वाले? मौर्या। क्या समस्या को लेकर आज धरने पर? समस्या जे मतलब समस्या जे है मुझे का, देखो मैं आज 11 साल से काम कर रहा हूँ, मोड़ा मोड़ी पालना है, एक मोड़ा है एक मोड़ी है, उसमें जब बैठी ये जात तुम्हें दिखाई रही होगी। तुम जब बताओ, मैं दारू को धंधो करता हूँ, मैं 11 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी दुकान कहाँ दिखाता है? शासन है, पुलिस की कह रहा हूँ मैं, शासन की पुलिस में याद है कि नहीं? मेरी कहाँ दारू दिखाता है? पकड़ दुनिया में बिखरा है, दुनिया में ऐसी जगह नहीं है कि मज्जा चीज नशा भारी बिखरा रही हो। तो भाई मैं जब नशा से नफरत कर चाह रहा हूँ, मैं चाहे हाथ में ही नहीं ले रहा हूँ नशा। मेरे घर से मिल जाए, मेरी भैया रे नौकरी मिल जाए और मुँह मिल जाए, और नौकरी नहीं 15,000 की हो, नहीं 20,000 की जाके, और भाई मेरी हो, मेरे भी दो मोड़ा मोड़ी, मैं भी मेरे को कचुआगे सोचेंगे को नहीं? जा कह रहा हूँ मैं सरकार से, वो कच्चू लड़ाई नहीं है। जय है मेरी वाह, बस जय डिग लिया। कब से बैठे हो? जहाँ मैं बैठ में 5:30 बजे से, और ऐसा कह रहा है वो तो कम 6-7 साल हो गई फिरत फिरत, आज तक एक तो सो भी फायदा नहीं मिलो, घर नहीं है बनावे, जगह नहीं है बनावे, हैं ऐसे कौन रह ले, वो तुम रह ले वो है, बच्चा है मेरी बात और कछु नहीं। कुटीला नहीं मिलो, वो सरकारी है, है? कुटीली भी नहीं मिली है, कुटीली भी नहीं मिली, नहीं मिली। बीच नदी में डरे हैं। आपका कहाँ के रहने वाले? किस समस्या को लेकर ये धरने बैठे हो? यह समस्या जो है कि क्या सरकार नौकरी दे दे है, या दारू की जो बंद करवा बेचारा ना, दारू घर जाए पुलिस घरों में चाह खाना बना रहा हूँ, चाह खा रहा हूँ, तो छोटे भाई में घुस जा रहे हैं, उनको कोई इज्जत ही नहीं हमरे हैं। अगर जो काम तुम छुड़वा रहे तो भैया नौकरी दे दे, जो काम भी हम छोड़ देंगे हैं। अगर जो कोई काम नहीं छुड़वा रहा ना, तो हम यहीं बैठे हैं, यहीं हम खावे और यहीं कमरा रहे, नहीं लाइसेंस मिल रहा है ना, तो हमें क्या तो नहीं लाइसेंस बनवा दो, और नहीं अगर तुम नहीं चाह रहे ना तो ठीक है, दारू पीकेगी तो काम को घुस नहीं पा रहा, नहीं तो नौकरी देवे राजी हो, नहीं बाकी जिम्मेदार सरकार होगी फिर। अच्छा, मतलब आपके सारे नौकरी मिले, बस अगर वो आपका वो काम बंद करवा रहा है तो आपको नौकरी नौकरी मिले। बच्चा लेकर बीच नदी पढ़ने में, दो बच्चे लेकर बीच नदी पढ़ने, तुम लोग का है अधिकार जान, तुम भी सरकार के कानून का चल रहे हो नहीं चल रहे हैं? तो हम पापा जी ऐसे ही कर रख रहे हैं, एक बेना ये तीन बेर घर गई में जा मसीन कोई सुनवाई नहीं, भोपाल तक फ्री आई, विदिशा तक फ्री आई, तो ऐसे ही बैठ कर रख रहा आपके घर में कितने लोग हैं, सदस्य कितने हैं? पूरे दो, एक लड़का एक लड़की और दो यंग, चार हैं, और दो फेटो फेटो का दिए। ये जो बंदा रात से बैठा हुआ है, ये रोजगारी की डिमांड कर रहा है, वो ऑफिस कैप्चर कर लिया है, ताले नहीं लगा दिए रात में। कल ये 6 बजे आए थे और मेरे द्वारा समझाइश दी गई कि इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 50,000 रुपये में मेरी वाइफ को साफ सफाई है तो रख लो, और मुझे भी कोई काम दे दो, और साथ ही पुलिस वालों से कह के मुझे शराब का ठेका दिलवा दो। तो मैंने कहा कि भाई ये संभव नहीं है, शासकीय योजनाओं का जो लाभ होता है वो आपको मिल चुका है, और भी जो भविष्य में योजनाएँ आएँगी या उनके लाभान्वित के लिए आप पात्र पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा लाभ। पूर्व में भी आ चुके हैं, पहले मैंने इनको पहले भी समझा चुकी हूँ, परंतु कल 6:30 बजे के बाद जब ऑफिस में कोई नहीं था और प्यून ताला बंद करने की कोशिश कर रहा था, तब ये शटल के अंदर आ गए और ताला बंद करने के लिए जबरन झूमा झपटी करने लगे। अपनी वाइफ को भी बुला लिया इन्होंने, और फिर मैंने थाना प्रभारी जी को 3 बार फ़ोन करके बताया, तब उन्होंने और SDM साहब ने भी उन्हें फ़ोन किया, तब उन्होंने जवानों को भेज करके इसे बाहर कर दिया गया था और उनके द्वारा ताला भी बंद करवा दिया गया था, परंतु आज सुबह ये पूरे आ गए हैं।
अब अभी मैंने पुनः SDOP साहब से और SDM साहब से चर्चा की है, निश्चित रूप से इसका कोई हल निकलवाते हैं। क्या कानूनी कार्रवाई करवाएंगे या ये तो एक तरीके से दबिश है प्रशासन पे? निश्चित रूप से दबिश है, और जो संभव नहीं है कि इस प्रकार से रोजगार और शराब के दुकान का ठेका, इस प्रकार की चीज़ें कहाँ संभव है कि, और मेरे हाथ में है भी नहीं कि मैं इस प्रकार की चीज़ें करूँ, तो एक इलीगल डिमांड है। तो इन पे क्या आप, मैं अभी एक निश्चित रूप से एक पत्र अभी मैं बनवा रही हूँ और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने सूचित कर दिया है, और थाने में भी एक पत्र भी मैं भेज रही हूँ। आपके यहाँ से कोई रिपोर्ट वगैरह आई है क्या? किस संबंध में? कोई उनके ऑफिस को घेर के बैठ गया है, रात भर से बैठा हुआ है? नहीं, इस संबंध में थाने पे कोई सूचना नहीं है। कोई लिखित आवेदन? नहीं, लिखित आवेदन भी नहीं, ना कोई सूचना आई है हमारे पास। कोई सूचना नहीं, नहीं।